जब क्राइसिस आता है, पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई कंस्टेंट ऐसा आ गया जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही, जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है, बाकी हमारी और जो सप्लाई है चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है, जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे।